हाँ भाई, आज बात कर रहे हैं इसकी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट में, नीट क्या उस टाइम AIPMT होता था, AIPMT 88 में आया था। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हमें तीन चार्जेस दिए हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और हमसे कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम जो होगा इनका चार्जेस का, वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। देखिए, स्टडी करते हैं इसको थोड़ा सा। ये पहला चार्ज हमारा 4q का यहाँ रखा हुआ है, 4q स्मॉल q। फिर यहाँ उससे a डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और तीसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है फिर से प्लस 4q। इसका कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0, इसका x इज इक्वल टू a और इसका x इज इक्वल टू 2a। कहने का मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 2a है, यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला डिस्टेंस है a और ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी है a। अब ये जो नेगेटिव नेचर का चार्ज है ये मिड पॉइंट पे रखा है लाइन के, और लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे दो पॉजिटिव नेचर के चार्ज रखे हैं, प्लस 4q इधर और प्लस 4q इधर, ये और ये। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, लेकिन इक्विलिब्रियम भी तीन तरह के होते हैं, आपको बता दूं मैं। एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और न्यूट्रल में ये कांस्टेंट होती है। लेकिन पहचानने के लिए प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताऊं, तो जिस भी चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक करना हो उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम चेक कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और अगर वापस नहीं आता तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। अगर मैं इस नेगेटिव नेचर के चार्ज को थोड़ा सा खिसका दूं, हल्का सा इधर कर दूं, यहाँ इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ पॉइंट। तो यहाँ से मैं इसको खिसका के यहाँ ओ डैश पे ले आता हूँ। अब ओ से जब मैं इसको ओ डैश पे लेकर के आऊंगा यहाँ, तो ये इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ मैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट बी। ठीक है जी, ये मैं ले लेता हूँ पॉइंट ए और ये मैं ले लेता हूँ पॉइंट बी। अब ये जो मेरा ओ पॉइंट वाला चार्ज था या नेगेटिव क्यू चार्ज था, अब ये ए के नजदीक आ गया, ए के नजदीक आ गया तो ए की फोर्स थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डिस्टेंस में कम कर दूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ए पॉइंट के नजदीक आ गया तो ए की वजह से लगने वाली फोर्स थोड़ी ज्यादा हो गई और बी की वजह से लगने वाली फोर्स थोड़ी सी कम हो गई। अब देखते हैं, चलो इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है ये ए पॉइंट वाला चार्ज और ये नेगेटिव नेचर का है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ए की वजह से लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा और बी की वजह से लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, ए की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी और बी की वजह से कम फोर्स लगेगी, तो नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगी, और नेट फोर्स इस तरफ लगने की वजह से चार्ज आगे की तरफ भाग जाएगा। हमने डिस्प्लेस करा इसको ए की तरफ और ये इसी तरफ भाग गया, मतलब अपनी पोजिशन पे वापस तो नहीं आया, अपनी पोजिशन पे वापस नहीं आया तो इसका इक्विलिब्रियम हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी,
ऐसे ही ए और बी को चेक कर सकते हैं। ए की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं, ए को मैं, ए पे अभी नेट फोर्स जीरो है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ए पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। ए वाले चार्ज को अगर मैं दोबारा बना लेते हैं डायग्राम समझने के लिए, है ना, यहाँ पे फिर से वही, यहाँ चार्ज है +4Q, यहाँ -Q और यहाँ +4Q, ये ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, ए डैश पोजीशन पे आ गया। तो अब इस पे जो फोर्स है वो दोनों की वजह से बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जरा समझने वाली बात करें तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये डिस्टेंस है मेरा पूरा का पूरा ए, ठीक है, और मैंने इसको हल्का सा आगे डिस्प्लेस कर दिया, कितना, एक्स। तो अब ये वाला डिस्टेंस मेरा हो गया ए माइनस एक्स, और पूरा डिस्टेंस जो था वो था 2a। तो अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस हो गया 2a माइनस एक्स, यानी के डिक्रीज तो होगा, समझ रहे मेरी बात को। अब फोर्स का नेचर देखें, तो फोर्स का नेचर देखें तो ये ए, ये ओ की वजह से फोर्स होगी अट्रैक्टिव नेचर की, और बी की वजह से होगी फोर्स रिपल्सिव नेचर की, ठीक है। इसकी वजह से फोर्स ओ पॉइंट की वजह से अट्रैक्टिव और इसकी वजह से रिपल्सिव होगी। देखने में ये आएगा क्योंकि जो वेरिएशन आया है डिस्टेंस की वजह से, उससे हमें पता चलेगा कि ये ओ की फोर्स ज्यादा है, तो जिस तरफ हमने डिस्प्लेस किया उसी तरफ ये आगे भाग जाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम भी अनस्टेबल होगा। इसी पैटर्न पे बी का इक्विलिब्रियम भी अनस्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी चार्जेस हैं तीनों चार्जेस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और शॉर्ट में अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है, जरा समझने वाली बात है। हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इतने शॉर्ट तरीके से नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि मोशन कहाँ कराया गया है, मोशन अलोंग द लाइन है या मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन है। देखिए जैसा कि ये भी हमने पढ़ा, तो इसमें अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, यहाँ एक +Q है, यहाँ एक +Q है, प्लस कैपिटल Q ले लेते हैं, और यहाँ मैं एक चार्ज रख देता हूँ प्लस का small Q। तो भैया अब इक्विलिब्रियम भी दो पार्ट में स्टडी किया जाएगा, एक तो अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर मैं अलोंग द लाइन खिसकाता हूँ तो अलोंग द लाइन देखिएगा जरा, अगर मैं इसको यहां से यहां ले आता हूँ, ओ पॉइंट से ओ डैश पे ले आता हूँ, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी, तो बी भी इसको रिपेल करेगा, ये +Q यहां से यहां आ गया, ओ से ओ डैश पे आ गया, तो इस पोजीशन पे बी इसको रिपेल करेगा और ए भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये चार्ज बी पॉइंट के नजदीक है इसलिए बी की फोर्स ज्यादा होगी, ए की फोर्स कम होगी। तो ये बी की फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स बी की डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, उसी पे वापस आ गया। लेकिन अगर इसी को मैं दोबारा देखूं, इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे स्टडी ना करूं, मैं इसको परपेंडिकुलर टू लाइन स्टडी कर रहा हूं, ये है हमारा +Q, ये +Q और यहाँ बीच में +Q। मैं इसको परपेंडिकुलर टू लाइन मूव कराता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ ले आया इसको, O से O डैश पे ले आया थोड़ा ऊपर, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो अब ये वाला जो चार्ज है मेरा, ए पॉइंट वाला और बी पॉइंट वाला, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे, ए की वजह से लगने वाली फोर्स अगर देखें,
ए की वजह से लगने वाली फोर्स जो होगी वो ऐसे होगी, ए की वजह से ऐसे फोर्स लगेगी, एफ ए। और बी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी, अब इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, यहाँ एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसी वजह से, ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, बी का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा एफ बी कॉस थीटा, और ए का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा एफ ए कॉस थीटा, ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इनका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन पे आएगा एफ ए साइन थीटा, और बी का भी एक कंपोनेंट एफ बी साइन थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो नेट फोर्स जो लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, जिसकी वजह से चार्ज ऊपर की तरफ भाग जाएगा, यानी कि ओ डैश से और आगे निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा अपनी पोजिशन पे, तो ये इक्विलिब्रियम हुआ अनस्टेबल। ठीक है, तो जब ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज थे उनके बीच में एक तीसरा चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, जब उसको अलोंग द लाइन मूव कराया, अलोंग द लाइन जिस लाइन पे वो है उसी लाइन पे मूव कराया, तो इक्विलिब्रियम आता है स्टेबल, और जब परपेंडिकुलर टू लाइन मूव कराया तो आया अनस्टेबल। समझ रहे हैं बात को, चार्ज वही है लेकिन आंसर बदल गया, अलोंग द लाइन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल बट परपेंडिकुलर टू लाइन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो हम कैसे कह दे भाई कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो क्वेश्चन में ये बताना कंपलसरी है, मस्ट है, कि भैया जो इक्विलिब्रियम हम चेक कर रहे हैं वो अलोंग द लाइन चेक कर रहे हैं या परपेंडिकुलर टू लाइन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब तो इसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और हमें दिखाई दे रहा है, दो पॉजिटिव के बीच में जब एक पॉजिटिव है तो अलोंग द लाइन स्टेबल और परपेंडिकुलर टू लाइन अनस्टेबल, और इसी से मैं बार बार बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इस क्वेश्चन को, इसे शॉर्ट में बता देता हूं आपको, तो इसी की ऑपोजिट कंडीशन भी ट्रू होगी, अगर दो पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं और उनके बीच में एक नेगेटिव का रखोगे ना तो बदल जाएगी कंडीशन, तो अलोंग द लाइन तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू लाइन ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये ध्यान देने वाली बात। तो शॉर्ट में कॉन्क्लूजन पे आ सकते हैं, वो कॉन्क्लूजन ये कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज के बीच में एक ओपोजिट नेचर का चार्ज रखा है, ठीक है, इफ ए डिफरेंट नेचर चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू सिमिलर नेचर चार्जेस देन अलोंग द लाइन इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा और परपेंडिकुलर टू लाइन इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, कहने का मतलब इफ ए सिमिलर नेचर चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू सिमिलर नेचर चार्ज, यानी कि कोने पे जो चार्ज रखे हैं वो भी पॉजिटिव और सेंटर वाला भी पॉजिटिव, या फिर कह सकते हैं कोने पे जो चार्ज रखे हैं वो दोनों भी नेगेटिव और सेंटर वाला भी नेगेटिव, मतलब तीनों एक जैसे नेचर के हैं, तब तब के लिए क्या होगा,
तब के लिए अलोंग द लाइन, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर टू लाइन इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसी बात से डायरेक्ट हो सकता था अभी क्वेश्चन अगर ध्यान दें तो हमें दिख रहा है कि दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव रखा है, समझ रहे हो बात को? दो पॉजिटिव के बीच पे नेगेटिव है, तो भैया अलोंग द लाइन, जनरली अलोंग द लाइन ही बात करते हैं, अनस्टेबल ही होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नंबर तो छोड़ो, खैर ये नीट में 94 में आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नीट 94 का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं AIPMT 94 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है हॉलो मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको चार्ज कर दिया और उसका पोटेंशियल हो गया 80 वोल्ट। कितना? 80 वोल्ट। कहां पे? सरफेस पे। सरफेस पे पोटेंशियल 80 वोल्ट हो गया, तो सेंटर पे कितना होगा? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, हॉलो स्फेयर है भाई, स्फेयर जो है हॉलो है, तो हॉलो स्फेयर के लिए ध्यान रखिएगा, ग्राफ से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हॉलो स्फेयर की अगर मैं बात करूं और मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं उसका, पोटेंशियल का ग्राफ डिस्टेंस के साथ, तो देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, तो ग्राफ भैया ऐसा, और उसके बाद ऐसा, यानी के ये जो है अगर मैं स्फेयर भी बना के दिखाऊं आपको, तो ये सेंटर है इसका, ये रेडियस आर है, चार्ज दे दिया मैंने इसको क्यू, तो सेंटर से लेके ये ओरिजिन, ये शो कर रहा है सेंटर, और ये शो कर रहा है सरफेस, और उसके आगे आउटसाइड, ये वाला पार्ट जो है ये आउटसाइड द स्फेयर, ये कंडीशन बता रहा है, और ये इनसाइड द स्फेयर। तो ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है कि अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी के क्यू बाय आर होगी, और बाहर ये घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। बाहर का फॉर्मूला है ना, मैं बता देता हूं आप लोगों को, इनसाइड पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, आउटसाइड पोटेंशियल होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहां ये देखने को मिला कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो जो वैल्यू सरफेस पे है वही वैल्यू सेंटर पे है। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कहा सरफेस पे 80 वोल्ट है, सरफेस पे पोटेंशियल 80 वोल्ट है, तो
सेंटर पे भी 80 वोल्ट ही रहेगा। आंसर हो गया 80 वोल्ट, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए, अदरवाइज अगर स्पीड कम ज्यादा लगती है स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है चार्ज है हमारे पास एक Q2, ये 94 का क्वेश्चन है, नीट 94 या फिर AIPMT 94 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चार्ज है Q1 जिसको इक्विपोटेंशियल पाथ पे मूव कराया जा रहा है। सिचुएशन समझा देता हूं मैं आप लोगों को, एक चार्ज है सेंटर पे चार्ज रखा है Q2 और पेरिफ्री पे चार्ज Q1 है, इसको मूव कराया गया इस तरह से, तो वर्क डन कितना होगा? तो पहली बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और खुद भी क्वेश्चन में बता दिया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, लिख देता हूं मैं, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच देयर इज इक्वल पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल एक समान रहता है, सेम रहता है, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल, ठीक है। अब जब पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, और वर्क डन के बारे में हम जानते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन हो गया हमारा चार्ज Q1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि जीरो है, तो वर्क डन हो गया जीरो। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई वर्क डन? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क कहां से हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया चार्ज को इक्विपोटेंशियल पाथ पर ट्रेवल करा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन भैया जीरो होगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस, Q1 और Q2 दो चार्जेस दिए हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न बना के दिया गया है, ठीक है। तो उसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होंगी 12th क्लास में, है ना, याद दिला देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है, ये 94 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करती है, है ना, आपने याद भी करा होगा, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो लाइंस जहां से आती हैं वो चार्ज पॉजिटिव, और जिसके पास आती हैं वो नेगेटिव। तो Q1 पे भी लाइन आ रही है, ये देखो आ रही है, और Q2 पे भी लाइंस आ रही हैं, दोनों पे आ ही रही हैं, मतलब दोनों कैसे हो गए? नेगेटिव। तो बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, है ना। ये क्वेश्चन 74, सी ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डाइपोल पे आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन है ये, है ना। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें दे दिया गया, डाइपोल मोमेंट पी, उसको
स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा था, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए बता दूं, 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और अनस्टेबल होता है 180 पे। स्टेबल होता है 0 डिग्री पे और अनस्टेबल होता है 180 डिग्री पे। अच्छा, इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? भैया पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम की होती है ना, उस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क किया गया है वो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, और उसे ही कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा एंगल से रोटेट करा, तो थीटा एंगल रोटेट करने में कितना वर्क हुआ? थीटा एंगल रोटेट करने में वर्टन का फॉर्मूला होता है बेटा डाइपोल के केस में, PE1 - cos θ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। ये वर्क हुआ तो ये वर्क ही स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल रोटेट करने में हो गई हमारी कितनी? PE1 - cos θ। B इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, है ना, AIPMT 95 या NEET 95 का क्वेश्चन है। फिर से एक बार इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 77 आपको समझाया था। दो पॉजिटिव के बीच में एक और चार्ज रख दिया, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, ताकि सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए देखते हैं इसको करते हैं। ये दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू, दूसरा कैपिटल क्यू, और बीच में एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। इसकी वैल्यू पूछी हमसे कितनी होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम की बात करिए, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम ना कहता तो इसकी वैल्यू कुछ भी रख दो इक्विलिब्रियम ही रहेगा, कभी इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं होना। लेकिन क्योंकि सिस्टम कह दिया तो कहानी बदल गई है। सिस्टम का मतलब तीनों चार्जेस का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, किसी एक का नहीं, ठीक है? चलिए फिर से नाम रख देते हैं इसके, इसका ए, इसका बी और इसका ओ। तो कह रहे हैं क्यू की वैल्यू कितनी रखें, दूसरा कह दिया मिड पॉइंट, एग्जैक्टली जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, है ना, सेंटर ऑफ लाइन बोला है ना हमसे, पहली लाइन में सेंटर पे रखा है, मतलब मिड पॉइंट पे रखा है। कह रहेगा मतलब अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए है, टोटल डिस्टेंस 2a है, ठीक है? तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी छोटे वाले क्यू की? करते हैं तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, किसी भी एक पे लगा लेते हैं इक्विलिब्रियम, मान लो ए का इक्विलिब्रियम स्टडी कर लेते हैं। फॉर पॉइंट ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स ऑन ए 0 होनी चाहिए। अब एफ नेट 0 मतलब कौन कौन फोर्स लगाएगा भैया इस पे? एक तो ओ लगाएगा, एक बी लगाएगा। नेट फोर्स 0 जब होगी, जब ओ की वजह से लगने वाली फोर्स और बी की वजह से लगने वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। कैंसिल करने के लिए ओपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, तो बी तो पॉजिटिव है, रिपेल ही करेगा ए को, बी की वजह से तो फोर्स ऐसे ही लगेगी, तो ओ की वजह से ऐसे लगनी चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो पाएंगी, कैंसिल कर पाएंगी और तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, या मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं नेट फोर्स 0 का मतलब बी की वजह से लगने वाली फोर्स और ओ की वजह से लगने वाली फोर्स 0 हो जाए, ये तो नेट फोर्स है। तो एफ बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ओ, और बी की वजह से कितनी फोर्स लगेगी? के कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस यानी कि 2a, इसका स्क्वायर गुलाम लो लगा दिया हमने, और ओ की वजह से लगेगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, और ये नीचे बचा हमारा क्यू अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर हो गया माइनस क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, और क्यू की वैल्यू हो गई माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है चेक करते हैं? सी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
ये क्या कह रहा है, ये AIPMT 95 या नीट 95 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, वर्क डन कितना है, 2 मीटर मोशन कराया, 0.2 कूलम का चार्ज है, सारी वैल्यू दे दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, चार्ज की वैल्यू 0.2 कूलम है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का कराया गया, 60 डिग्री पे मोशन कराया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वर्क डन 4 जूल का हुआ, तो ई की वैल्यू कितनी होगी। कर लेते भैया, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर Fs cos थीटा होता है। अच्छा, फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्यू ई लगती है, हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई एस कॉस थीटा, सारी वैल्यू हमारे पास है। वर्क डन 4, चार्ज की वैल्यू 0.2, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का कराया गया, एंगल 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 4, और ये 0.2 और 2 की मल्टीप्लाई करके आ गया 0.4 ई, और ये आ गया 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 से 4 कट के, ये बचा 10, e की वैल्यू 2 × 10 यानी के 20 न्यूटन पर कूलाम या 20 वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गई, तो 20 वोल्ट पर मीटर इज द आंसर, या 20 न्यूटन पर कूलाम इज द आंसर। और यूनिट कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट 2 होती हैं, न्यूटन पर कूलाम भी इसी की यूनिट है और वोल्ट पर मीटर भी इसी की यूनिट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो बी इज द आंसर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है, ये नीट 95 का क्वेश्चन है। नीट तो होता नहीं था उस टाइम पे, AIPMT बोलते थे, बार बार वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुछ भी कह सकते हैं। नीट 95 को या AIPMT 95 को करना क्या है वो देखते हैं। दो मेटल के स्फेयर्स है हमारे पास में, ठीक है, और दोनों का रेडियस दे दिया और दोनों पे चार्जेस दे दिए। अब इनको एक कंडक्टिंग वायर से आपस में जोड़ दिया, तो स्मॉलर स्फेयर पे कितना चार्ज होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी दो बॉडी को आपस पे कनेक्ट करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ना, चार्ज फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। जनरली मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा, जरूरी नहीं है। चार्ज जहां कम होगा वहां से ज्यादा की तरफ भी जा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल किसका कम है किसका ज्यादा है। हमेशा कहा जाता है चार्ज ट्रेवल्स या चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल की वजह से चार्ज फ्लो करता है। तो अगर कोई ऐसी बॉडी है जिस पे चार्ज कम है लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, तो छोटी से बड़ी बॉडी की तरफ भी चार्ज ट्रेवल कर जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा, चार्ज फ्लो तो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन अच्छा 12th क्लास की एनसीईआरटी आपने करी हो तो बड़ा ही अच्छा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। वहां ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास ना दो स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर है दूसरा स्फेयर है, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे से हैं, ठीक है। अच्छा, एक का नाम कह दिया ए, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन के साथ, है ना, ए, एक का नाम बी, इसके ऊपर चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज जीरो, तो दोनों को टच कर दिया, अब फाइनल चार्ज बताओ, दोनों आइडेंटिकल थे, तो हम बहुत करते थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो फाइनली क्या होगा, जब आपस में टच कर देंगे, वायर के थ्रू कर दो या डायरेक्टली टच कर दो, तो क्या होगा ना कि देखते हैं, ये जो हमारा ए है
और ये बी है, इसको फाइनल चार्ज क्यू डैश कह दें, क्यू ए डैश कह दें, तो इसकी वैल्यू क्यू बाय टू और क्यू बी डैश इसकी वैल्यू भी क्यू बाय टू, यानी कि दोनों बॉडी आधा आधा चार्ज आपस में बांट लेती थी। तो बच्चे याद कर लेते हैं, कई बार जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी टच करते हैं तो आधा आधा चार्ज बांट लेंगी, है ना। आधा आधा चार्ज अगर इस हिसाब से बांटो तो यहाँ देखो जरा, ये 10 की पावर -2 और ये 5 × 10 की पावर -2, कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10 की पावर -2 और ये 5 × 10 की पावर -2, टोटल हो गया 6 × 10 की पावर -2, आधा आधा बांट लिया तो एक पे आ गया 3 × 10 की पावर -2, दूसरी पे आ गया 3 × 10 की पावर -2। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, काट देता हूं मैं ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें, ठीक है। क्यों भाई क्यों गलत है, जरा समझिए। चार्ज आधा आधा बढ़ता था उन क्वेश्चंस में, 12th में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करते थे, क्योंकि वहां पे जो वो होते थे हमारे स्फीयर वो आइडेंटिकल होते थे, एक जैसे होते थे, साइज एक जैसा होता था, है ना। लेकिन जब साइज एक जैसा नहीं होगा तो ये बराबर बराबर नहीं बांटेंगे, फिर क्या होगा, पोटेंशियल की वजह से डिसाइड होगा कि किस पे ज्यादा जाएगा किस पे कम जाएगा। तो मेन पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट ये है कि, है ना, पोटेंशियल डिसाइड करता है कि चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम्स इक्वल, यानी कि पहली बॉडी और दूसरी बॉडी का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पोटेंशियल कब इक्वल होगा ये देखने वाली बात, पोटेंशियल इक्वल होगा भाई पहली का के क्यू वन ओवर आर वन, और दूसरी का स्फेयर का ये फॉर्मूला होता है ना, या पॉइंट चार्ज का भी यही होता है। तो के से के तो कट गया, तो चार्जेस का रेशो इस कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया, चार्जेस का रेशो रेडियस के रेशो पर डिपेंड करेगा, मतलब साइज पर डिपेंड करेगा, है ना। वहां पे साइज सेम था, आइडेंटिकल थे, साइज सेम था, तो इसलिए चार्ज बराबर बराबर बट रहा था। यहाँ साइज सेम नहीं है तो चार्ज बराबर बराबर नहीं बटेगा, तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा, जो रेडियस का रेशो है उसी रेशो में चार्ज बटेगा। रेडियस का रेशो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली बॉडी का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, दूसरी का 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का रेशो 1:2 आ गया, यानी कि आर वन और आर टू का रेशो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1:2। तो चार्ज का रेशो भी कितना होगा, 1:2। और 8th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिक्स में, रेशो एंड प्रोपोर्शन, वहां हमने सीखा कि अगर दो वैल्यूज का रेशो दिया है तो, है ना, टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, इंडिविजुअल वैल्यू क्या होती थी, तरीका होता था उसमें, वैल्यू ऑफ क्यू वन। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा बायो बैकग्राउंड वाले थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो देखिए जरा, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो रेशो क्यू वन की वैल्यू अगर हम निकाले, रेशो तो 1 है, सम ऑफ रेशो 1+2 है, टोटल चार्ज 6 × 10 की पावर -2। भाई एक का 1 × 10 की पावर -2 कूलाम था, दूसरे का 5 × 10 की पावर -2 कूलाम था, टोटल चार्ज 6 × 10 की पावर -2 कूलाम हो गया ना। यहां से देखें तो ये हो गया हमारा, Q1 की वैल्यू आ गई 1/3 × 6 × 10 की पावर -2 कूलाम, यानी कि 2 × 10 की पावर -2 कूलाम। तो पहले वाली बॉडी का फाइनल चार्ज, ठीक है, फाइनल चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी इतना होगा,
इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलाम। चेक करते हैं ऑप्शन में, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलाम, ये डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा पोटेंशियल से कैसे हम पोटेंशियल की हेल्प से कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना, AIPMT 96 का। इसमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटेंस उसका सी दे दिया, पोटेंशियल उसका वी दे दिया। हमसे कह रहे हैं एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, तो एनर्जी स्टोर का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कर सकते हैं आप, याद होगा, है ना। एक बार रिवीजन हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लें, यू सेट नोट करते हैं, ये हाफ सी वी स्क्वायर, इसके अलावा हाफ क्यू वी बी सी का फॉर्मूला है और क्यू स्क्वायर अपॉन 2CVC का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी है इसी का, ये भी है और ये भी है, है ना। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं भाई। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, AIPMT 96 का क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक चार्ज है प्लस क्यू, वो क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा क्यूब का, है ना। देखिए क्यूब बना लेते हैं, ये क्यूब बन गया। अब इसमें हमसे कहा कि यहां अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी, गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी बॉडी का, क्लोज बॉडी का, फॉर ए क्लोज्ड बॉडी, ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो होता है Q नेट इनसाइड, नेट चार्ज जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डाइपोल के ऊपर, देखिए क्या कहता है, पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। अच्छा, ये लार्ज डिस्टेंस पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है AIPMT 98 का। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, ये कोई डाइपोल है हमारे पास, ठीक है, डाइपोल तो आप समझते ही हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हैं, है ना, सेंटर से एक तरफ की लेंथ L, दूसरी तरफ की लेंथ L। अब इसका ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है क्यू, यहाँ फील्ड, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε₀P/r³, आर इज द डिस्टेंस। तो ये यहां से हमें दिखाई दे रहा है के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पी पे डिपेंड कर रहा है,
और वन अपॉन आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, जिसको कि हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल है आर की पावर माइनस थ्री के। तो ये आर और पी का रिलेशन आ गया, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछ ली इस बार। पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास एम दिया है, चार्ज क्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हमारे पास, इसको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने का मतलब इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब एम तो पता है, वी चाहिए, वी कैसे निकालें, तो वी निकालने के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस दिया है ना, टाइम दिया हुआ था तो फर्स्ट लगा लेते हैं, डिस्टेंस दिया है तो थर्ड लगा लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप सब याद करके आए हैं, नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अच्छा, यू तो जीरो हो गया, ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास, और डिस्टेंस वाई है। अब फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो क्यू ई होती है, तो ये हो गया हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू ई अपॉन एम इंटू वाई। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं जब यहां रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगी हाफ एम टू क्यू ई वाई अपॉन एम। एम से एम कट गया, टू से टू कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो बची वो क्यू ई वाई। क्यू ई वाई कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा पहला ही ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या कह रहा है, हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फेयर है, हॉलो स्फेयर की बात कर रहे हैं फिर से, ठीक है। अच्छा, उसे चार्ज दे दिया गया कितना, 10 माइक्रो कूलाम का। अच्छा, फील्ड पूछ रहे हैं, सेंटर पे फील्ड कितना होगा, रेडियस दे दिया 2 मीटर और फील्ड हमसे पूछ लिया, तो उसको फिर मैं ग्राफ की हेल्प से बताऊं या पहले समझ लीजिए आप इसको थियोरेटिकली, फिर ग्राफ भी बता देंगे इसका। देखो बेटा, कंडक्टर के अंदर, ये याद भी करवाया गया होगा आपको 12th क्लास में, इनसाइड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो आंसर तो वैसे ही आ गया जीरो। अब ग्राफ याद करना है तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप कर ले तो। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर डिस्टेंस, अंदर कोई फील्ड नहीं होता, जितना भी होता है बाहर होता है, ठीक है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर होता है, अंदर जीरो होता है। तो याद रखिएगा, इनसाइड कंडक्टर्स फील्ड इज जीरो। ग्राफ भी बता दिया बेटा मैंने इसका, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फिर कंडेंसर का जिक्र किया गया, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं, कंडेंसर से मतलब कैपेसिटर से बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, कैपेसिटर को कॉमन लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोला जाता है। ऑयल डाल दिया, ऑयल भरा हुआ था उसके अंदर, ऑयल मतलब एक तरह का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ऑयल मींस डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी उसका दे दिया टू, कैपेसिटेंस उसका सी है, ऑयल निकाल लिया, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा,
एक टॉपिक हम पढ़ते हैं कैपेसिटर चैप्टर में, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाती है कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस बदल जाता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा सी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन वन माइनस टी बाय डी प्लस टी ओवर के डी। ठीक है, अगर टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो अगर पूरी तरह भर दिया उसको, इफ कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है बेटा। अब जरा समझिए, डाइलेक्ट्रिक डालने पे के टाइम्स बढ़ जाता है तो निकालने पे के टाइम्स घट भी जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ निकाला गया है, ऑयल पहले भरा हुआ था बाद में निकाल लिया गया, तो निकालने पे सी फाइनल यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा ना, आधा या जो भी वैल्यू होगी। बाइक के यानी के सी बाय टू। अब सी बाय टू कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखिए इसमें कोई डाउट तो बताइए, कौन सा क्वेश्चन था ये, 64। नेक्स्ट करते हैं भाई 63। अच्छा, इसमें हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते हैं, क्यों करते हैं रिपेल, तो आंसर होगा टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, बाय मिनिमाइजिंग एनर्जी, एनर्जी कम करने से स्टेबिलिटी आती है, तो ये स्टेबिलिटी कम अटेन करने की कोशिश करते हैं एनर्जी को कम करके। और हम क्या कर रहे हैं, हम इनको जबरदस्ती एक दूसरे के पास, इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको उधर लेके जा रहे हैं, फोर्स लगा के इनको जबरदस्ती, तो हम क्या कर रहे हैं है ना, एनर्जी बढ़ा रहे हैं इनकी। या ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी काम जो जबरदस्ती किया जाएगा ना उसमें एनर्जी बढ़ती ही है। या फिजिक्स के रेफरेंस में बात करूं, प्रोटोन प्रोटोन को आप नजदीक लाएंगे तब भी एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाएंगे तब भी एनर्जी बढ़ेगी, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाएंगे क्योंकि नेचुरली तो वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, जबरदस्ती दूर लेके जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी है ना। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये सेम नेचर के चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेचुरल टेंडेंसी क्या है इनकी, नेचुरल टेंडेंसी, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करना चाहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करना चाहते हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्यों, टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप फोर्सफुली इसका ऑपोजिट करते हैं तो आप एनर्जी बढ़ा देंगे, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नजदीक आने से एनर्जी सिस्टम की जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एयर को रिप्लेस कर दिया डायलैक्ट्रिक मीडियम से, डायलैक्ट्रिक मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के दे दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों चार्जेस की क्या होगी? तो याद कर लीजिए बेटा, इन एयर कूलम लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है 1/4πε0Q1Q2/r2, और इन मीडियम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। यानी के ये तो एयर में या फ्री स्पेस में, और ये मीडियम में, ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन वन और एक इक्वेशन टू। अब हम अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो एफ एन अपॉन एफ ये क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन के। तो मीडियम में जो फोर्स है वो एयर वाली फोर्स या फ्री स्पेस वाली फोर्स के 1/k टाइम्स हो गई। 1/k टाइम्स हो गई मतलब घट गई, डिक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं डिक्रीजेस बाय के टाइम्स, डिक्रीजेस के टाइम्स, सी इज द आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। एक्स और वाई पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों के बीच में हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। तो ये है हमारा सी वन, ये सी वन है, ये हमारा सी थ्री है, ये सी टू है, ये सी फोर है और ये सी फाइव है। तो पांच कैपेसिटर हमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसपे पांच कैपेसिटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरी आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि जब भी आपको किसी सर्किट में पांच रेजिस्टेंस या पांच कैपेसिटेंस दिखाई दे तो एक बार चेक कर लिया कीजिए कि क्या कहीं इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए रेशो देखते हैं हम लोग। तो रेशो देखिए, ये ऊपर वाला 6 माइक्रोफेरड का है, ये वाला 6 का है, तो रेशो इन दोनों का आया 1/3 का, C1 और C3 का रेशो आया 1:1। अच्छा, C2 की वैल्यू भी 6 है और C4 की वैल्यू भी 6 है, तो C2 और C4 का रेशो भी आया 1:1। रेशो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों तरफ सेम रेशो आ रहा है 1:1 का। यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बीच वाले में करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, है ना? ये वाला जो है हमारा C5 जो 20 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, ये खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होते ही ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ गए, तो 6 और 6 सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका हो जाएगा 3 माइक्रोफेरड। और नीचे वाले 6 और 6 ये भी सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका भी हो जाएगा 3 माइक्रोफेरड। अब ये 3-3 माइक्रोफेरड के दो कैपेसिटर पैरेलल में आ गए। इस तरह से सर्किट डायग्राम हम इनका बना सकते हैं, ठीक है? ऊपर भी 3 माइक्रोफेरड और नीचे भी 3 माइक्रोफेरड। ये पॉइंट एक्स हो गया, ये पॉइंट वाई हो गया, तो सी इक्विवेलेंट 3+3 यानी के 6 माइक्रोफेरड, डी इज द आंसर। आगे चलते हैं, कैपेसिटर है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे पास एक कैपेसिटर है ना,
उसको एक बैटरी से चार्ज कर दिया गया, उसमें यू एनर्जी स्टोर हो गई, उसमें यू एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसको डिसकनेक्ट करके सेम कैपेसिटी के दूसरे कैपेसिटर से जब कनेक्ट किया गया तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी। तो जब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है तो इस टॉपिक को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और ऐसा करने में कुछ एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हाफ सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। इसमें अगर ध्यान दें कि दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, मतलब वी टू की वैल्यू जीरो है, और दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल है, सेम कैपेसिटी के कैपेसिटर हैं, तो एनर्जी लॉस जो होगा एनर्जी लॉस जो हमारा होगा वो हो जाएगा हाफ सी इंटू सी वी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, यानी के हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, यानी के देखें जरा तो ये हो गया हाफ ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड होती है यू, यानी कि यू बाय टू लॉस हो गया, कह सकते हैं 50% लॉस हो गया। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम एक कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऐसा करने में 50% एनर्जी लॉस हो जाता है। 50% एनर्जी लॉस हो गया तो बची कितनी 50%। अब वो 50% दोनों कैपेसिटर आपस में बांट लेंगे, यानी कि पहले एक ही कैपेसिटर था जिसकी एनर्जी यू थी, अब जब इसके साथ में कैपेसिटेंस इसका सी था और एनर्जी इसकी यू थी, जब इसको एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया ये भी सी और ये भी सी, तो यू बाय टू तो लॉस्ट हो गई, बची कितनी यू बाय टू, और ये जो यू बाय टू है ये दोनों आधी आधी बांट लेंगे, यानी कि यू बाय फोर इसको मिलेगी और यू बाय फोर इसको मिलेगी। तो एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी यू बाय फोर, यानी के बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में है ना सेमी सर्कुलर रिंग पे कितना फील्ड होता है सेंटर पे, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितना फील्ड होगा वो पूछा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए इज द रेडियस ऑफ रिंग, इसके अकॉर्डिंग, और लैम्डा आप जानते ही हैं, लैम्डा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर से गॉस थ्योरम का क्वेश्चन। चार्ज क्यू है क्यूब के सेंटर पे, सॉरी क्यूब के कॉर्नर पे इस बार, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ऑल द सिक्स फेसेस कहा, मतलब पूरे क्यूब की बात कर रहे हैं,
फॉर द होल क्यूब, फ्लक्स कितना होगा। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर आप पढ़ते हैं यूनिट सेल। और वहां हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आएगा, अगर वो कहां पे प्रेजेंट होगा। तो वहां ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे आ रहा है तो उसका 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है अंदर। यहाँ चार्ज पार्टिकल है क्यू, अगर ये क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका केवल 1/8 पार्ट ही अंदर आएगा। और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्यू इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय 8। तो फ्लक्स होगा हमारा Q by 8 over epsilon naught, यानी के Q by 8 epsilon naught। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल Q कहा है तो फ्लक्स होगा कैपिटल Q by 8 epsilon naught। B is the right answer. Next देखते हैं question number 57। question number 57 की बात करें, फिर से वही question। इस बार एक फेस के लिए कह दिया, एक फेस का कितना होगा। Q माइक्रो कूलम का चार्ज है, Q माइक्रो कूलम का चार्ज है, सेंटर पे प्रेजेंट है क्यूब के। और ईच फेस, एक फेस का फ्लक्स कितना होगा। तो जैसा कि अभी पढ़ा, फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन क्यूब के 6 फेसेस होते हैं तो एक फेस के लिए इसका 1/6। पूरे के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के लिए इसका 1/6। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q by 6 epsilon naught, लेकिन चार्ज माइक्रो कूलम में है, कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इस बार कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो होती है हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी होती है। लेकिन इस बार एनर्जी नहीं पूछी, इस बार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी यानी कि इसी एनर्जी को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी एनर्जी डेंसिटी हाफ सी वी स्क्वायर यू अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वी अपॉन डी होता है, तो मैं लिख सकता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन
डी स्क्वायर, ये हो गई हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, AIPMT 2001 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूला टॉर्क का आप सभी को याद होगा, पी क्रॉस ई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसको खोल के भी लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें तीन केस बन जाते हैं, जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 0 होता है तो टॉर्क 0 होता है, 180 पे भी टॉर्क 0 होता है, लेकिन 90 पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। जब एंगल 0 डिग्री है तो हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 पे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इस केस में, यहाँ टॉर्क मैक्सिमम है। इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए, यहाँ टॉर्क 0 नहीं है, इसलिए यहाँ इक्विलिब्रियम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमसे फिर कहा चार्ज दिया किसी कंडक्टर को तो पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, यहाँ फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर जो है यहाँ ये हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, और हॉलो स्फीयर में मैं बता चुका हूं कि पोटेंशियल सेम रहता है, ग्राफ भी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ग्राफ भी मैंने बनाया था पोटेंशियल का, इस तरह का ग्राफ आया था अगर आपको याद हो। ये पोटेंशियल और इधर डिस्टेंस, ये सेंटर और ये सरफेस, सेंटर से लेके सरफेस तक सेम रहता है, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया, वोल्टेज दे दी, दूसरा कैपेसिटर है अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड का मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, इसका कैपेसिटेंस C2 दे दिया, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब भी हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर है मेरे पास, कैपेसिटेंस इसका C1, वोल्टेज इसकी V1, दूसरा कैपेसिटर है C2, वोल्टेज इसकी V2, हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज ट्रेवल करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इस टॉपिक को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों कैपेसिटर एक कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, उस कॉमन पोटेंशियल को ही यहाँ पे हमसे पूछा गया है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल वी होता है वी डैश, ये हो जाएगा क्यू टोटल अपॉन सी टोटल, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू C1 V1, या यहाँ पे V दिया है तो सिर्फ V रख सकते हैं, दूसरे को चार्ज नहीं किया गया था इसलिए उसका चार्ज 0 है, अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल हमारा निकल के आया C1V अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द फाइनल कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो C1V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 52, अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT 2002 में आया हुआ।
इसमें एक क्यूब है जिसकी साइड दी गई है बी, क्यूब की साइड दे दी है बी, हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी गई है। समझते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आप ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा सिस्टम की होती है, कभी किसी अकेले चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हमें यहाँ पहले पता करना पड़ेगा कि सिस्टम कितने बन रहे हैं, तो जितने सिस्टम उतनी बार पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। ये हम क्यूब बनाते हैं पहले, हर एक कॉर्नर पे इसकी साइड दी है हमें बी, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है माइनस क्यू, और सेंटर पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा सिस्टम कितने बनेंगे। ये जो सेंटर वाला चार्ज है ये हर एक के साथ, हर एक कॉर्नर वाले चार्ज के साथ एक सिस्टम बनाएगा, क्योंकि क्यूब के आठ कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ आठ सिस्टम बनेंगे, और सारे के सारे सिस्टम एक जैसे हैं, सारे के सारे सिस्टम आइडेंटिकल हैं। अगर हम किसी भी एक सिस्टम की एनर्जी निकाल के एट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें दो चार्जेस के बीच का, सेंटर वाले और कॉर्नर वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा। इसको मैं यहाँ मान लेता हूँ आर, तो इसके लिए छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। पहले तो ये हमें दिख रहा है कि ये डायगोनल का आधा है, सेंटर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो डायगोनल का आधा है। अब पहले डायगोनल की बात करें तो हमें पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड ऑफ क्यूब होता है, यानी कि √3b। अब हमारा डिस्टेंस जो है आर वो डायगोनल का आधा है, डायगोनल का आधा है, यानी कि हमारा डिस्टेंस हो गया √3b/2। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन सिस्टम, एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये हो जाएगी हमारी फॉर्मूला, होता है 1/4 πε₀ Q1 Q2 by R। तो ये हो गया हमारा 1/4 πε₀ -Q into +Q अपॉन डिस्टेंस √3b/2। अच्छा ये हो गया हमारा, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2Q²/4√3πε₀b। ये एक सिस्टम की आई, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई ये एक सिस्टम की आई। अच्छा अब सिस्टम हमारे पास कितने, आठ, तो आठ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 8 × या ऐसे लिखें नंबर ऑफ सिस्टम इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन सिस्टम। आठ सिस्टम बन रहे हैं, एक की एनर्जी ये, तो यू टोटल जो होगी
माइनस 16 क्यू स्क्वायर ओवर 4 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब ऑप्शन देखते हैं, ठीक ऑप्शन में हमारा ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंजेस में हमें करने पड़ेंगे, है ना। मैंने जानबूझ के जो वैल्यूज आपस में कट रही थी मैंने उसको काटा नहीं था। हमारा आया 16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3, एक सेकेंड, हमारा आया है u टोटल माइनस 16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब इसमें तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, तो क्या करें, कुछ काट के देख लेते हैं। 4 से 16 को कट कर दिया तो ऊपर बचेगा 4 और u टोटल आ गया माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, फ्लक्स पूछा है एनी फेस का, यानी वन फेस का, कर चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ए आई पी एम टी 2003 का क्वेश्चन रिपीटेड है ये। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जैसा कि हमने पढ़ा, तीसरी बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरी चौथी बार। ये होता है Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां हो जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये पूरे क्यूब का फ्लक्स है, हमें चाहिए एक फेस का। टोटल फेस होते हैं 6, एक फेस के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6, तो Q by 6 epsilon naught, लेकिन ऑप्शन अब भी मैच नहीं कर रहा, तो मैथमेटिकल ट्विस्ट है थोड़ा सा। अब सब में हमें दिखाई दे रहा है कि 4 पाई की फॉर्म में आंसर दिए गए हैं। अब 4 पाई की फॉर्म में आंसर दिए गए हैं तो हम ऊपर नीचे काम करते हैं, 4 पाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ्लक्स हो जाएगा 4 पाई क्यू अपॉन 6 into 4 पाई epsilon naught। ये हमारा आंसर आता है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए 27 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम नीट प्रीवियस इयर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, ये अराउंड 70-80 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो आए हुए हैं, हम अराउंड 27 डिस्कस कर चुके हैं। ये आज की क्लास में मैंने 27 करा दिए, इसके बाद मैं दो क्लासेस और लगाऊंगा आपकी, और उन दो क्लासेस में रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके फिनिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आगे